मेरा असली नाम फैजुल्ला खान, मेरा झूठा नाम ये नकली नाम मेरा महबूब अमजद। मैं इधर झूठा नाम दिया, मेरे माँ बाप जो झगड़ा करके अलग हो गए, अलग अलग घर लेके रहे। मेरे घर में जो दो बहन है, एक छोटी है और एक बड़ी है। और जो हम मैं एक तीन जने थे हम तीन जने थे घर में। तो अपन मैं रोजाना काम पे जाने का, मेरे को उधर जो फटफटी का काम सीखने का मैं तो जो रोज रात में मैं आने का 8 बजे 9 बजे और खाना खा के सो जाने का। मेरे को मालूम ही नहीं कि मेरी माँ मेरे बाप से झगड़ा करके अलग हो गई। तो मैं जो एक दिन मेरे को मालूम पड़ा तो मैं मेरे को मेरे बाप मेरे माँ से मिलने के लिए देने का नहीं, तो मैं रोने का आया थे रो। तो एक दिन मेरे को खुन्नस आई तो मैं जो घर से निकला सीधा आया सिकंदराबाद स्टेशन पर। वहाँ से गाड़ी पकड़ा सीधा इधर बम्बई आ गया मैं। बम्बई आके जो इधर बम्बई में आकर मैं बम्बई में रहा तीन चार दिन तक स्टेशन पे ऐसे। फिर वहाँ से एक होटल में काम पूछा करजत में जाकर। वो होटल में काम फिरा तो वो बोला महीने को 30 रुपया दे गए, तो 2 महीना हो गया 60 रुपया वहाँ से लिया। फिर रात में रहा वहाँ पे। फिर वहाँ से वो सेठ हो गया तो जो वहाँ से सेठ का पूरा पैसा लिया, वहाँ से भाग गया मैं सीधा आया इधर बम्बई। बम्बई आके मैं जो इधर ही रहा चोर बाजार में का कपड़ा विपड़ा खरीदा, अच्छे से खाते पीते रहा इधर बम्बई में। फिर आते मैं कुछ पैसा खत्म होगा तो मैं आते जो रोजाना टैक्सी साफ करने का ऐसा करके पैसा कमाने का, वैसा नहीं तो गाड़ियों में गाना गाने का, ऐसा पैसा कमाने का खाते पीते रहने का। तो एक दिन इधर हवलदार आया बीटी में और मेरे को पकड़ ले, बोले चलो डोंगरी में। मैं बोला डोंगरी क्या चीज है मेरे को मालूम, बोले मालूम पड़ जाएगा चलो। पहली बार आता मैं अकेला बका था उधर, सब दोस्त लोग बोला जाए तू चोरी कर क्या, तू नहीं करके लाएगा ना तो मारेगा मुझे। मैं डर के मारे मुझे चले गया चोरी करने गया जा। केला एक फन्नस लेके आया मैंने, दोस्त लोग सब मिलके खाया। दूसरी बार मेरे को बोला जब वो वाइफर चोरी करके लेके आया, मैं बोला नहीं लेके आया घड़ी घड़ी मैं चोरी करके लाएगा। दोस्त लोग बोलता दादा तू लेके आ जा, मैं लेने गया तोड़ने गया तो तुम टैक्सी वाला उधर आया, वो पुलिस के आदमी वो पकड़ के दिया। वो पुलिस बोलता तू किधर रहते हैं, मैं बोला भाई कलम में रहते हैं। अरे भाई कलम में किधर, दुबस बिल्डिंग में मेरे को लेके गया मैं चाचा के पास लेके गया। चाचा बोलता इसको लेके जाओ घर पे वो डोंगरी में, बोलता अच्छी बात है। लेके गया मैं डोंगरी में उधर तभी साल था उधर 2 साल था उधर जूना हो गया था, इसलिए मेरे को मानपुर भेजा। मानपुर में तो थोड़ा दादागिरी करता था ना मैं, 150 में आया। अभी इधर 6 साल रहने का, इसलिए मैं काम करने दिया पढ़ने का और ये 12th क्लास का। बाबू मुनी बिल्ली और भाई और बाप और माँ मेरी बहन
और मेरा भाई जाफर। मुकरना इधर पुलिस ने लाया, फिर मेरी माँ ने कपड़ा निकाल ली, इधर कपड़ा निकाल ली, फिर ना फिर दूध निकाली, फिर दूध पिलाई मेरी माँ ने, फिर मिलाई तुम्हें, फिर नवीन कपड़ा पहनाई, फिर ना फिर गणपति का दिन आया ना, फिर मैंने गणपति देखा, हमने द्वितीया और खीर खाया। माँ बाप नानी भाई चाची बहन इतने जने, घर में कचरा कितना है, कचरा मट्टी भी है, गिरी लोग भी आए, उधर छोटे छोटे बच्चे लोग भी आए, बात करते हम लोग झोपड़ी में रहते, उधर रोज गजरी होती, फिर हम लोग बड़ी झोपड़ी बनाते हैं, बड़ी झोपड़ी के उधर रोज मनुष्य लोग वेड़े लोग भी है, उधर सारी भी है सारा, हम लोग जाते पुष्कर भी वास्ते, और हम लोग और मेरे बाप जी बोला आप घर को तू रहे मत, कभी तेरी मिलने को आएंगा मैं, और दिन आया था मेरे बाप मिलने को, फिर बोला अभी तू मानपुर में रहती, मैंने यहाँ मेरे बाप ने मेरे को छोड़ा। देखो मेरी माँ ने एक टाइम खराब किया, रात में आदमी को बुला के, मुझे मेरी माँ ने एक रात में एक आदमी को बुलाया था, मुझे खराब किया करके मैं बहन के पास गई, तो मेरी माँ ने जूठा इंजाम डाला और मुझे यहाँ ला के डाला, इतने पैसे के लिए ऐसा किया था। दस रुपया पंद्रह रुपया मेरे को अच्छा नहीं लगता था, मैं माँ आती थी तो मैं भाग जाती थी कि दूर, फिर माँ के हाथ में नहीं आती थी क्योंकि मेरा बाप मारेगा ना, इसलिए मेरा बाप घर में दारू पी के आता था ना और झगड़ा करता था, मेरे को अच्छा नहीं लगता था इसलिए मैं घर से भाग गई, भाग कर मैं इधर संडस रोड में आई, इधर एक लड़की मेरे से छोटी उसके पास रही, फिर उसकी माँ ऐसे ही कुछ बर्तन घसती किसका और पैसा कमा, और फिर हम लोग दोनों जन रहते थे, मेरे को घर में जाने को अच्छा नहीं लगता था इसलिए मैं इधर रहती थी, क्योंकि मेरा बाप है ना दारू पी के आता था ना, इसलिए फिर मैं उसके साथ रहती थी, जुगाड़ खेलती थी, और फिर हम लोग एक दिन पकड़ा गए, हमने देखा पुलिस वाला पीले कपड़े धोता काल कमर में पत्ता हाथ में डंडा चिट्ठी बजाता पहला दे चोर चोरी कर में पास, हमने देखा पुलिस वाला छोटा मुन्नी छोटा लाल कलर में छोटा अम्मा अम्मी आए माँ का भी खाना पकाता है, अभी इतना बड़ा फटा नहीं चटका कर जाने के मेरा मर जाने का, माँ का पूरा खाना पकड़ जाने का, माँ को लगे लगी दौड़ पीछे पीछे भाग जाने का, जाकर जाने का झाड़ के पर चढ़ने का बैठ जाने का, माँ जब तक झाड़ के पर टांगी दी थी तो झाड़ के ऊपर से खुद ही मार देने के नीचे गिरने के फिर वापस भागने का, दूसरे झाड़ के ऊपर जाकर बैठ जाने का, ऐसे माँ को बहुत फटाने का, और कभी किवाड़ लगाने की तो किवाड़ को फटाने का पत्थर ले लगे, माँ रखते नहीं भगा देता फालतू माँ बाप है, मेरा माँ बाप बहुत अच्छे है, मुझे समझाते हैं काय को दोस्त लोग के साथ में घूमता है, काय को ऐसा शरारत बना करता है, काय को माँ बाप का नाक नीचे करता है, काय को दोस्त लोग के साथ चोरी करने जाता है, फिर वो पकड़ेगा तो बोलता है तेरे को मारता है मगर हमको दुख होता है, तेरा क्या जाता है हमारा नाक नीचे होता है, तेरे को चाहते वो चोरी बीरी करेगा दोस्त लोग को खिलाएगा और हम लोग को गाली सुनाएगा, ऐसा का वो बोलते ऐसा का वो करता था, दो बार डोंगरी में गया बस नहीं हुआ तेरे को ओढ़ जाने का है, मैं बोला नहीं, तो बोला अभी जा तू अभी सुधर के आएगा जा तू यहाँ से मेरे को मुँह भी मत बता जा, तो फिर मेरे को डोंगरी में लाए मुझे सर के पास खड़ा करा, मुझे 3 साल की सजा दिया सर, मुझे 5 साल की सजा लग गई, जिस वक्त सजा लगी उस वक्त मैं बहुत छोटी उम्र का था, उसी उम्र में मेरा से गलती हो गई, उसी गलती में हवलदार ने मुझे बहुत मारा, मार पीट कर रिमांड होम ले गया और वो मार मुझे अब तक याद है, रिमांड होम ले जाने के बाद मुझे
कुछ दिन हो गए, उन दिनों के बाद मेरा कोरट हो गया। कोरट तो सभी लड़कों का होता, इसी तरह मेरे भी कोरट हो गया और मैजिस्ट्रेट के सामने मुझे खड़ा कर दिया गया। और मैजिस्ट्रेट ने मुझे देखा और मुझे 5 साल की सजा दी गई। सजा दिए बाद मुझे इंडस्ट्रियल स्कूल में भेजा गया। इंडस्ट्रियल स्कूल में सर जो लड़का आता है उसे उसे जो काम चाहिए वही काम मिलता है। और बहुत सारे काम होते हैं, कारपेंट्री, वेल्डिंग, लोहार, प्रेस, विंग काम, इलेक्ट्रिक, टेलर, और इसमें से मुझे टेलर काम दिया गया। और सर अब मेरे थोड़े दिन बचे ले, थोड़े दिन बाद मैं हॉस्टल जाने लगा और हॉस्टल में मैं जाएंगा तो मुझे नौकरी ढूंढने का चांस दिया जाएगा। काम इधर सीखने के बाद हॉस्टल भेजते, काम सीखने के बाद मैं मेरे को बाहर भेजते। काम इधर सीखने के बाद दिन खत्म होने के बाद बाहर जाके किधर भी काम पर लोग पहले ये बात पूछते तेरा माँ बाप है क्या। मैं बोलता नहीं, वो लोग माँ नहीं तो बोलते तो कुछ चोरी करेगा तो क्या भरोसा है। ऐसे मैं बहुत जाकर फिर मैंने काम ढूंढा, कोई देते नहीं। फिर मैं सोचा इतना अपन उधर जाके काम सीखे क्या फायदा है, साला कोई नौकरी नहीं देते, क्या फायदा इतना काम सीखे। पहले पिताजी हमको चोरी सिखाया, फिर आस्ते आस्ते गैंग बनाया, फिर चोरी करना सिखा पिताजी सिखाया। काय को सिखाया नहीं मालूम, चोरी सिखाया हमको मार मार के। जी सरकार ने तो हमारे जैसे हजारों बच्चों को अभी सहारा देता है और हमारे पीछे और लाखों के हिसाब में बच्चे पैदा होते हैं, उन्हें कौन देखेगा। और बच्चे कुछ गलती करता है तो उन्हें पुलिस पकड़ता है और सोसाइटी में बंद कर देता है। गलती किसका, बच्चा क्या है? नहीं, गलती रहता है उन माँ बाप का है जो बच्चे को रास्ते पे छोड़ देते हैं। एक एक घर में छः छः सात सात बच्चे रहते हैं, वैसे रह के भी फिर भी और बच्चे के पैदा होने का ये रहता है। वो लोग कमाए तो कुछ नहीं, बस बच्चे ही बच्चा पैदा होता है। ऐसे होने से क्या बच्चा बढ़ते ही रहेगा, रास्ते में और हजारों बच्चे दिखेंगे। संभालने नहीं होता तो बच्चे का बढ़ाने का नहीं, ये सरकार रोकना मांगता है बस। हम गरीब है, मानी बाप और बहन और भाई पोस्टर पकड़ा मैं मारती थी उसके लिए। छोड़ के जाने के लिए हम गरीब हैं। मैं 250 रुपया कमाता हूँ।
मैं जब छोटा था बचपन से मेरे माँ बाप गुजर गए, लेकिन मैं स्टेशन पे इधर उधर भटक रहा था तो लोग देखते और चले जाते थे। लेकिन मेरे को भूख के कारण मैंने एक बार रोटी चोरी की तो लोग मुझे चोर चोर कहने लगे। लेकिन मेरे को मैं काम करना चाहता था और मैं बहुत जगह बड़े बड़े कंपनी में फैक्ट्री में मिल में गया, लेकिन कोई मुझे काम नहीं दिया। कहते वसीला चाहिए सारा चाहिए, मेरा तो कोई वसीला कोई सारा नहीं था। बचपन में तो मेरे माँ बाप गुजर गए थे, लेकिन ये जिनके पास बंगला है फैक्ट्री है काम है कंपनी है, तो क्या ये लोग मेरी मदद नहीं कर सकते थे? ये लोग मुझे काम नहीं दे सकते थे? दे सकते थे, लेकिन ये लोग के पास जब इतना पैसा है लोग फालतू में ये खर्च करते सिनेमा हॉल में थिएटर हॉल में रेस कोर्स में, तो क्या वो पैसा मुझ जैसे अनाथ लोग को सारा नहीं दे सकते थे? दे सकते थे। मुझको चाहिए क्या? मुझे चाहिए क्या था? सिर्फ थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा मदद, थोड़ा सा सहारा, क्या नहीं दे सकते थे? मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, तेरी महफिल में लेके हम ना होंगे। मोहब्बत कर Mm-hmm.